इस कमाल की मूवी को देखने के बाद मुझे टेट्रिस के हिस्ट्री का पता चलता है, जो गेम हमने बचपन में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खेली थी, पर उसको कुछ लोग सीरियसली ले जाते हैं और उसके राइट के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और उसमें ही सोवियत यूनियन जहाँ पे गेम खोजी गई थी उसके क्रिएटर को कुछ नहीं मिल रहा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी रहा है, और वहाँ पे सोवियत गवर्नमेंट टेट्रिस के राइट को किसी तरह भी ऊंचे दामों में बेच के पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। और इसी में हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनवायरमेंट भी दिखाया जा रहा है कि कैसे सोवियत यूनियन डूब रही है, वहाँ पे आजादी की क्रांति के नारे लगने लग गए हैं और वो उसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं करप्ट हो चुके हैं और वो इस डूबते हुए देश से किसी भी तरह से पैसे कमा के भाग जाना चाहते हैं। और वहीं पे कुछ लोग टेट्रिस को दिलो जहान से प्यार करते हैं और वो लीगल तरीके से राइट्स लेके इसके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पर कुछ करप्ट ऑफिशियल्स सिर्फ पैसे कमाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि टेट्रिस एक बहुत अच्छी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको मुझे किसी भी हालत में चाहिए। और वो फिर वो जो लड़ाई हो रही है ना टेट्रिस के राइट्स को लेने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और साथ में जो बीच बीच में एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है कि रियल लाइफ में कुछ कार है कुछ बिल्डिंग्स है उसको हमें वीडियो गेम की इतना दिखाया गया है। और मेन कैरेक्टर जो हैंक है जो इस कैरेक्टर्स के राइट्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो लोगों को पटाने के लिए मारियो गेम की बातें करता रहता है, जो थोड़ी अलग और अच्छी लगती है कि कैसे वो अपनी लोगों को अपने पाले में करने के लिए मारियो गेम की दुहाइयां देता फिर रहा है। और जो बीजीएम है ना इस मूवी के वो बहुत बढ़िया है, सुन के मजा ही आ जाता है। सीन में जो थ्रिल और सस्पेंस पाने का काम करते हैं ना, वो उन्होंने उसके लिए उन्होंने बहुत बीजीएम इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए तो मैं उसके मेकर्स को दाद देता हूँ। ओवरऑल एक बहुत अच्छी मूवी है जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी और आपका ध्यान लगा के रखेगी कि आगे क्या होगा, हैंक कैसे राइट्स लेगा टेट्रिस गेम के और वो सोवियत यूनियन से कैसे निकल के भागेगा, क्योंकि सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। और इसी के बीच में उसकी फैमिली लाइफ भी डूब रही होती है और उस टेट्रिस के राइट लेके अपनी फैमिली लाइफ को भी बचा सकता है, ड्रामेटाइज करके दिखाया गया है। अच्छी सिनेमाटोग्राफी, थोड़ी बहुत सीजीआई और कमाल के बीजीएम के साथ, और एक्टिंग तो सबने बहुत बढ़िया की है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेन कैरेक्टर हैंक और बाकी जो सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो जिसमें वो बिजनेसमैन और थोड़े बहुत सोवियत यूनियन के लोग आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म के बीच में एक नेगोशिएशन वाला सीन चल रहा होता है, वो जो सीन था ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस था कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे रशियन, क्योंकि वो किसी को भी कभी भी जेल में डाल के इस दुनिया से गायब कर सकते हैं। तो इतना इंटेंस सीन को बहुत अच्छे तरीके से बीजीएम के साथ दिखाया गया है ना, आगे क्या होगा आगे क्या होगा, ये सस्पेंस बनाई रखते हैं। और इस मूवी में सबकी डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया है, देख के ज्यादा मजा आ जाता है। अगर आपके पास देखने को कुछ नहीं है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 8.6 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।